बेटा अपन लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम देखने मिलेगा कि आप जो डेरिवेटिव सीख रहे थे उसका मतलब क्या होता था। तो पहले सिंबल का मतलब समझ लो, डी वाई ओवर डी एक्स का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा वाई कभी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सॉरी मेरा अगर एक्स चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वाई कैसा चेंज होने वाला है, ये चीज़ हमें कहाँ मिलने वाला है, ये वाले चैप्टर में समझ में आना शुरू होगा। तो जैसे कि आप लोग फर्स्ट वाला सब पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू ही करने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान देना, छोटा सा सेशन रहेगा अपना आज का, उसमें एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आप लोगों को होमवर्क करने में बहुत स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो। ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। मतलब अगर एरिया मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, रेडियस मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझसे क्या मांगा है आपने, डी ए अपॉन डी आर। समझाए, मतलब ए का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू आर। यस बेटा, हाँ कर दिया बेटा मैंने उसे, यहाँ तक समझाया क्या हुआ है। अब देखो, अब तुम्हारे को ए का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या होता है सर्कल के एरिया के लिए, पाई आर स्क्वायर। तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर बोल रहे हो, पाई तो मेरा कांस्टेंट है तो पाई वैसे बाहर डाल सकता हूँ, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे लिए, टू आर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, टू पाई आर। ठीक है, अब देखो इसने बोला था कि एट रेडियस थ्री, अगर रेडियस मेरा 3 सेंटीमीटर है तो मैं बस रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल दूंगा, 3, तो आंसर 6 पाई आ जाएगा मेरा। इतना करोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, फुल मार्क्स के लिए आपको इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा। अब देखो यूनिट कैसे लिखूंगा ना मैं, तुमको पता है तुम्हारा फाइनल आंसर आ चुका है कितना, 6 पाई। तुम्हारा ऊपर एरिया था, नीचे रेडियस था, रेडियस सेंटीमीटर में चल रहा है तो एरिया किस में चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस का में चलेगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये देख तेरे को ये समझा था डेरिवेशन, जो अपने डेरिवेटिव निकाले थे ना, 2 पाई आर आया था, अब आर की वैल्यू, अब वो 3 डालूंगा, पहले नहीं डालता हूँ मैं 3, पहले डालूंगा तो मेरा वो बनी एक्चुअली 9 पाई जाएगा, फिर डी बाई डी आर ऑफ 9 पाई तो मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो, तो पहले नहीं डालते अपन लोग, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं फिर अपन डालते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया था 6 पाई के बराबर, बट यहाँ पे आके रुकना नहीं है, अब तेरे को यूनिट डालना पड़ेगा। ठीक है, जापान ध्यान दे, तो देख तेरा ऊपर डी ए बाई डी आर था, एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तेरा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में जाते सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे रेडियस का में रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा डिवाइड। हाँ वैसे देखना, ये इसका यहाँ पे है, उस नीचे वाले का यहाँ पे, एक सेंसर। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को उसने ये नहीं दिया होता है रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या जो भी कुछ, अब आप लोग यूनिट कैसे लिखोगे, कुछ नहीं। अगर मान लो रेडियस को यूनिट्स में है तो एरिया यूनिट स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, यानी अगर रेडियस किलोमीटर में होता तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर होता, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर स्क्वायर होता, तो वैसे कोई यूनिट में है तो ये यूनिट अपॉन यूनिट, तो ये यूनिट का स्क्वायर अपॉन यूनिट चलता था मेरा। समझाया था कि ये पहला एग्जांपल, नहीं नहीं वी विल इट विल कम ओवर हियर एक्चुअली देन। ठीक है, नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये भी सिंपल सा है। अ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल का डायमीटर ये है। ठीक है, अगर बेटा डायमीटर ये है तो वैसे रेडियस कितना हो जाएगा बेटा मेरा उसका, ये डिवाइड बाई 2, मतलब 3 अपॉन 4 टाइम्स 2x प्लस 3 मेरा रेडियस चलने वाला है। मुझे क्या करना है, डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मुझे डी वी ओवर डी एक्स चाहिए है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, चलो ये रेडियस अगर है तो मैं वॉल्यूम का फंक्शन बना लेता हूँ। वॉल्यूम कहता है 4/3 पाए आर क्यूब होता है मेरा, तो 4/3 पाए 3/4 टाइम्स 2x प्लस 3 का क्यूब। देखो 4/3 पाए 3/4 का क्यूब, मतलब 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, वो दो 3/4 को 9/16 लिख दिया मैंने, इंटू 2x प्लस 3 का
क्यूब, ये सब कुछ कट गया है। तो बेसिकली मेरा वॉल्यूम कितना आ चुका है बच्चा लोग, 9π/16 टाइम्स 2x+3 का क्यूब। किसी को इशू है इस चीज़ में? श्योर। अब मेरे को क्या निकालना था, बेसिकली वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझसे आप dv/dx मांग रहे थे, मतलब इसको मेरे को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो 9π/16 तो कॉन्स्टेंट था, इसमें मैंने क्या लगाया, चेन रूल लगाया, तो ये बन गया 3 × 2x+3 का स्क्वायर इंटू 2x+3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2। अब जो भी आंसर आएगा ये 1 ये 8 हो रहा है, तो समथिंग 27π/8 टाइम्स 2x+3 होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखो अगर x मेरा सेंटीमीटर में होता कुछ, मान लो ठीक, एक नजर इसका यहाँ पे देख लो, इसने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ तुम लोगों को। अगर x मेरा कहाँ है सेंटीमीटर में होता, तो डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर आता, ऊपर में सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। अगर x मेरा मीटर में होता तो नीचे मीटर, ऊपर मीटर क्यूब, उनको दिया हुआ नहीं है, तो नीचे यूनिट ऊपर यूनिट क्यूब, तो दिस मच क्या कहते हैं यूनिट क्यूब ओवर यूनिट आंसर आ जाएगा। समझाई थी क्या हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 3, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ सर्फेस एरिया। अब देखो तुमसे वो dv/dS मांग रहा है, अगर v मेरा वॉल्यूम है, s मेरा सर्फेस एरिया है ऑफ स्फीयर। देखो वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 4/3πr³। अब अगर गलती से आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद नहीं है बेटा, फिर तो बहुत इशू हो जाएगा, यानी यू शुड बी नोइंग ऑल दिस फॉर्मूला बेसिक, और प्लस नहीं याद है ना तो ये करते करते हो जाता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr². अब मुझे ये निकालना है, तो याद दूंगा पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन। हाँ, क्या मैं पहले dv/dr निकाल लूँ, इसको विथ रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर लूँ मैं? फोर पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर का है, ठीक है ना। ये देखो अभी इसका डेरिवेटिव मैंने dv/dr निकाला तो 4πr² होता है बच्चा लोग, 4/3 × 3πr², ठीक है। और फिर मैंने ds/dr निकाला तो होता है 8πr, ठीक है। अब dv/ds इज इक्वल टू 4πr² / 8πr, तो ये हो गया है बेटा r/2, ठीक है। बट r/2 क्या, ऊपर यूनिट क्यूब नीचे यूनिट स्क्वायर। dv/ds इज इक्वल टू dv/dr/ds/dr। पैरामीटर किए थे अपने t के रिस्पेक्ट में, अगर रहते हैं फंक्शन अपने, ठीक है। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है? अच्छा, उसने कुछ दिया भी था क्या, 5 मीटर बोला है, तो आंसर मेरा 5/2 आ रहा है, 5/2 m³/m², ठीक है, जो कि मीटर होता है वो, ठीक है। समझाई थी क्या हुई है गिरी, पक्का समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, कोई इशू यहाँ तक के? वो छोटी सी बच्ची का है क्या बच्चा, एक बोल नहीं, एक सेकंड, गाइस गाइस सुनो, उसका क्वेश्चन है सर, व्हाट इफ हमने सॉल्व ही 5 लेके किया है अगर, तो बच्चा तेरा वॉल्यूम स्टार्टिंग में कुछ तो भी कांस्टेंट आ चुका होगा, ठीक है। तेरा वॉल्यूम स्टार्टिंग में अगर आ जाएगा कुछ कांस्टेंट रहेगा, उसका तू डेरिवेटिव निकालेगा तो 0 ही हो जाएगा ना, नहीं वैसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर तेरा 5/2 आया, यस स्लोप वैसे पॉजिटिव ही हो रहा है, बट इट इज स्लोप व्हेन द ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक है ना, नॉट विद रिस्पेक्ट टू आर, नहीं अभी नहीं है बट मैं उसको बता रहा हूँ, ये पता है देखो, हाँ आगे आएगा, बहुत आएगा, बहुत सारा आएगा। सो न्यू रूल गाइस, न्यू रूल फॉर टुमारो गाइस, 4-5 के बाद मैं एंट्री भी नहीं दूंगा कल से, ठीक है ना, 4-3 के बाद नहीं दूंगा मैं, 4-2 के बाद नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, 4-5 नहीं तो तुम छोड़ दो ये या वो, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ गाइस, सुन लो ओए गाइस, आई डोंट केयर, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, 4-5 मैं एंट्री भी नहीं दूंगा, कसक ने तो बचपन में देखी भी है, अंशवीन ने बचपन में देखा हुआ है, तुलसीयान ने, तुलसीयान के बचपन में नहीं हुआ इतना, हाँ तुम्हारे वैसे नहीं, मैं तुमको मजाक नहीं कर रहा हूँ, एसेट में ना सब टाइम पे आते थे हमारे पास में, हाँ चांडक भी यहीं का था, और कोई वहाँ का नहीं है ना, और नहीं
तुम दो ही हो बस। हाँ, और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे बॉस था भी नहीं, मेरे ऊपर कोई था, मैं उसकी नहीं सुनता था, मेरे को उनके फ़ोन आते थे, मैं फ़ोन पलटा कर रख देता था। बच्चों के पेरेंट्स तो वैसे ही सुनता, मैं मेरे ऊपर जो थे भाई माँ, मैं उनकी नहीं सुनता था टाइम के समय, ठीक है। तो तुम ये तो सोच लो कि मैं मेरी अकेडमी में तो वैसे ही सुनना लो किसी की भी, ठीक है ना। चलो, हाँ बच्चों को मारता था बेटा, वाम को थोड़ी मारता था। चलो ध्यान दो, दोनों बंद, मैं एक अलाउ ही नहीं करने वाला हूँ। चलो वही ध्यान दो, नहीं मैं पहले भी नहीं अलाउ करता था टाइम के लिए। अच्छा, वो मेरे को रोज पढ़ती है ना, यहीं पे तुम्हारे अच्छा था क्या सुकृत, सुकृत नहीं क्या? तू चावला के बाद क्या? नहीं, हाँ तेरे से सीनियर था एक साल वो, मैं बताऊंगा नाम, पुलकित, पुलकित को मारा था हमने, अग्रवाल। चलो ध्यान दो गाइस, ध्यान दो अभी। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ, गाइस गाइस चांद गाइस, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दो। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन अ सर्कल। तुम्हें समझ में आया क्या बोला अभी तक? एक पत्थर ड्रॉप के तो अपने को जो ऐसे रिपल्स जो बनते हैं ना, ये वो है। एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी देखो अगर मान लो ये कोई लेक जैसा था, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक पत्थर को ऐसा ऊपर से नीचे फेंका, तो ये रिपल रहता है, वो दूर जाना शुरू करता है ऐसा, तो ये कितना दूर बढ़ रहा है? 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब बेसिकली क्या बढ़ जा रहा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड? उसका रेडियस का चेंज आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसने दे दिया है, मतलब आपको डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ सॉरी, क्या बताओ? नहीं बच्चा, नहीं नहीं नहीं, हाउ इज डायमीटर एंड रेडियस सेम? देख, पत्थर यहाँ पे मैंने फेंका, पहले ये इतना था, फिर इतना हुआ, मैं ये पार्टिकल की अगर बात कर रहा हूँ कि ये 3.5 बड़ा है, समझा तुझे? अब देखिए गाइस, प्लीज 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 शांति शांति। एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये जो भी है, हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीजिंग? मुझसे आपने डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू मांगी है, ठीक है, मेरे को गिवन ये है, मुझे ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू मांग रहे हो, वो भी कब? जब आर की वैल्यू मेरी 7.5 सेंटीमीटर रहने वाली है तब। तो देखो मेरा डी ए बाई डी टी पे, तो ए का फॉर्मूला क्या जाएगा? पाए आर स्क्वायर, तो d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई को बाहर लाया, d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये आपको r को डिफ्रेंशिएट करना है बट t है, तो आप लोग क्या करोगे? इसको 2r लिख दोगे और आगे क्या लिखोगे? इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो जगह 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी के लिए कितनी है अपनी? 3.5 है, तो आंसर 7 पाई r आ जाएगा, ठीक है। आपको r की वैल्यू उसने क्या दी हुई है? 7.5, तो 7 इंटू अगर आप पाई की वैल्यू डाल दे तो 22/7, अगर मान लो चल नहीं डाले उसने, इंटू 7.5, आई थिंक 7.5 की वैल्यू शायद से 52.5 कर रहा है वो पाई, ठीक है, ये आ गया आप लोगों का। अब देखो प्लीज़ ध्यान दो बेटा, ये एरिया काय में आया था मेरा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझा आप लोगों को? एक और बार समझाऊँ, देख मुझे दिया गया था कि मेरा, यानी इनडायरेक्ट वर्ड्स में, कि मेरा रेडियस चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ तो भी 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया था। मुझे पूछा था एरिया किस रेट से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब तुझसे डी ए बाई डी टी मांगा था, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर मांगा था, तूने पाई बाहर ला लिया, तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अगर डी बाई डी आर होता ऑफ आर स्क्वायर तो 2r फट से लिख दिया था, बट ये डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर है, तो ये तेरा क्या हो जाएगा था? 2r इंटू डी आर बाई डी टी, याद है तुझे चीज़ है? तो देखिए पाई तो पाई है, 2 तो 2 ही है, r तो आ रही है, ये 3.5 हुआ है, ये और ये मल्टीप्लाई किया था, 7 पाई r तेरा आंसर आ गया था। वो पूछ रहा है अगर मेरा रेडियस अब 7.5 है तो बताओ आंसर क्या होगा,
तेरा कुछ 52 पॉइंट जो भी होता हो, चाहे ये ये हो गया। अब तेरा को ये निकालता है एरिया तेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा, टाइम तेरा सेकेंड में चलेगा। देख तेरे को दिया होता है एक क्वाइट लेक में तूने पत्थर को छोड़ा है, तो उसके जो वेव्स जो बन रही है, रिपल्स जो बन रही है, वो एक दूसरे से मूव यानी वो किस रेट में मूव हो रही है, तो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान ले जब पत्थर फेंका था पहला वेव तेरा मान ले ये बना है, तो एक सेकेंड बाद तेरा वेव ये बना है, मतलब ये जो लेंथ है उसने 3.5 दिया है। तो बेसिकली पहले रेडियस ये था, अब रेडियस ये है, तो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। गिरी मुझे कुछ समझ में आ रहा है? पक्का सोच ले तेरे को। ये है एग्जांपल 4। सॉरी अच्छा अच्छा देख ये देख, मेरा ये फंक्शन बना था बेटा, पाई कांस्टेंट निकला, डी ऑफ आर स्क्वायर बाई डी टी था। अब मैं आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था ना, याद है? तो अपन लोग फिर क्या करते थे, वो टू आर कर लिया और फिर आखिर में डी आर बाई डी टी लगा, जो पाई तो बचपन से था ही। यहाँ तक ठीक है लाइफ अपनी, एक संख्या खूब सारे बेटा 17-18। ये फोर्थ हो गया है। अब फिफ्थ वाला देखिए बेटा, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ये। मैं साइड को क्या ए मानू या एस मानू, मैं एस मान लेता जान पूछ के, ठीक है ना? तो देखो डी एस बाई डी टी मुझे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। बताओ एरिया किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है? एरिया को मैंने ए माना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद है, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो मुझसे आप डी ए बाय डी टी मांग रहे हो, तो बेटा फिर प्रॉब्लम आएगा आप लोगों का, एरिया वगैरह के वॉल्यूम के फॉर्मूले याद नहीं। ये नाइन्थ में है बेटा, मैं फॉर्मूला चार्ट बना दूंगा तुमको चाहिए तो। गाइस मैं फॉर्मूला चार्ट बना के दे दूंगा बेटा, डिराइव करने का टाइम मिलता नहीं है ना, तुझे एसएटी में मिलेगा ना बोर्ड में मिलेगा। वो हेरॉन्स था बट वो चीज़ें नहीं करेंगे अपन लोग, वो तुमको करना ही दे रहे, तुम ट्रिग्नोमेट्री से कर लो इंस्टेड, बट करना ही क्यों है, तुम रट के जाओ। सुनो ओए, तो ये जाएगा डी बाई डी टी ऑफ रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा 2s ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी की वजह तुम्हें कितनी दी गई है, 2 दी गई है। हाँ तो ये कट गया, और अब साइड स्क्वायर 20 सेंटीमीटर होती है, 20 रूट 3 हो गया। तुमको क्या था, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। समझा भाई लोग ये क्या हुआ है? पक्का अभी बना देता हूँ मैं, बना दूँ पहले? हाँ वैसे चलो ठीक है, अपन लोग एक बार देख लेते हैं, अभी तो आप लोग फॉर्मूला को फॉर ग्रांटेड ले लो, तो मैं तुमको बना दूंगा। देखो मेरे को 3D फिगर्स के जोजो के पता है, मैं तुमको सोचता रहता हूँ, ठीक है? हाँ वो ठीक है, मैं तुमको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा या तो, ठीक है? तुम लोगों को कौन सा होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम्स, इसका CS है, इसका TS है, ठीक है? ये मुझे पता है। फिर और जो तुम्हारे को वियर्ड हो सकता है, एक पैरलोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, कई बार बच्चे लोग तो हाफ बेस इनटू हाइट बोलते हैं पता नहीं क्यों, ट्रपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया है तो अंडर रूट ऑफ एस इनटू एस माइनस इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी होता है, उसके अलावा इक्वल ट्राइंगल का रूट 3/4 साइड स्क्वायर होता है, रोम्बस का हाफ डायगनल 1 इनटू डायगनल 2 होता है, ठीक है? रोम्बस जैसे चारों साइड्स इक्वल हो बस, बट स्क्वायर नहीं है ना, चारों एंगल्स इक्वल नहीं वाली है, टेढ़ा स्क्वायर बोलते बच्चे लोग, हाँ ये जो कर रहा है ना हरकत है वो, हाँ ठीक है चलिए अभी। हाँ बच्चा, हाँ ठीक है, पिरामिड ही बोलते मैं समझ जाते रहा, वो जो सबके जब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं ऊपर वगैरह ना, वो एट में है प्रिज्म। चलो काइट का एरिया देखो, ऊपर का ट्राइंगल अलग, नीचे का ट्राइंगल अलग निकाल के करना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ डी वन इनटू डी टू लगेगा काइट में भी। चलो ओए ओए ओए, अब एग्जांपल नंबर 6 देख लो, ठीक है? तू ध्यान दे भाई, देखो अब इफ एन एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ये, मैं उसके एज को कुछ साइड एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो मेरा साइड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये मेरे को क्योंकि पर सेकेंड जैसे मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम समझ में आ गया था,
0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग? नहीं, वो वॉल्यूम होता है। अब क्यूब का सर्फेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, जो इसको साइड को ना मैं अभी के लिए x मान लेता हूँ बेटा, मैं साइड को अभी के लिए x मान रहा हूँ, सर्फेस एरिया को मैं कैपिटल S मान रहा हूँ। सर्फेस एरिया क्या जाएगा, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा। अब मुझे आप लोग क्या पूछ रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 6 एक्स स्क्वायर, 6 डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। तो ये 12x इंटू 0.5, तो आंसर 6x मेरा आ रहा है, ठीक है। मैंने x लिया बच्चा, अब ये एक्स, जैसे x आ गया है, 6x आ गया है, आप 12 डाल दोगे, आंसर आपका 72 आ जाएगा। बट क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ सर्फेस एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ बोल बच्चा, क्या होता तू? देख एक सेकंड, तुझे ये फॉर्मूला यहाँ तक के जो बना था तो समझा था बच्चा? अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, 6 बाहर निकाल देता मैंने, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, 2x होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ मैं, तो ये 2x लिख के मैं डी एक्स बाई डी टी लिख ली। ठीक है, वैसे डी बाई डी टी ऑफ बोला जाता था, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी नहीं बोलते सोचते, बट चल ठीक है। ये यहाँ तक समझा बेटा, तेरे को डी एक्स बाई डी टी के लिए 0.5 दी गई थी तेरे को, तो उसको डालेगा भाई, तो आंसर 6x आ जाएगा। अब तेरे को एक्स के लिए 12 दी गई है, तो आंसर 72 हो जाएगा, बट वो क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों? तेरा चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम था इसके लिए, फेयर इनफ गाइस। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख रहे हैं बच्चा लोग, प्लीज। द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ ये, तो मुझको डी ए अपॉन डी टी पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस, मतलब मुझे डी ए डी आर बाई डी टी मांग रहे हो, ठीक है। अब देखो डी ए बाई डी टी, तो एरिया का फॉर्मूला तो मेरा पाई आर स्क्वायर है। देखो डी पाई आर स्क्वायर बाई डी टी इसी को शू 5 दिया गया बच्चा तेरे को, ठीक है। पाई बाहर निकाला, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर इज 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू 5 चल रहा था बेटा मेरा। अब देखो मेरे को आर की वैल्यू को दी गई है क्या, नहीं, तो मेरा डी आर बाई डी टी, हाँ तो डी आर बाई डी टी जो मुझसे मांगा गया था उसकी वजह से 5 बाय 2 पाई आर, ठीक है। नहीं नहीं बच्चा, ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, ये बात का पार्ट है। ये हो गया तेरा आंसर, बस इसके आगे तुझे यूनिट्स जानना पड़ेगा। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा तेरा, यहाँ तक बढ़िया है। अब आगे उसने दिया हुआ है कि अगर सर्कमफ्रेंस 10 है, सर्कमफ्रेंस 10 है तो मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 10 दी गई है, तो तेरा आंसर हो 5 बाई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझा क्या? हाँ बेटा बोलो। यस, देख पहले तू डेटा क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है मी तो समझ बच्चा। देखो बोला है कि एरिया तेरा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया जिसमें रेडियस आर है वो चेंज कैसे हो रहा है, डी ए बाई डी टी देखो 5 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वो छोड़ ठीक है। और देखो पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीज डी आर बाई डी टी पूछा है इधर से, ठीक है मीत। अब देखो ये d बाई डी टी एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है मेरा, अब मैं रेडियस स्क्वायर को डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो 2r हो जाएगा, बट मुझे डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरा डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 अपॉन 2 पाई आर आ गई बेटा। तो यहाँ तक मैंने आंसर निकाल दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली, फिर बाद में सर्कमफ्रेंस 10 दिया है, मतलब उसने मुझे 2 पाई आर की वैल्यू 10 दी गई है, तो अब मेरे को वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई 2 पाई आर की जगह पर 10 डाल दिया मैंने, तो आंसर 5 बाई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है।
तो फिर को नहीं आता था, नॉट दैट आई नो फॉर्टली। वह समझ रहा बेटा क्या हो रहा है लाइफ में, क्या 5/10 इज 0.5, यस यू शुड डू इट। हाँ 5/10 में छोड़ना। नाउ गाइस नेक्स्ट वन, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल व्हेन इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता रहा है। 900 सेंटीमीटर क्यूब आप वॉल्यूम में हवा भरे जा रहे हो, तो dV by dt इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस। अगर रेडियस 15 होती तो ठीक है, तो देखो अभी नहीं, पहले की नहीं है बेटा, बाद में आखिरी में करना पड़ेगा। तो dV by dt मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा 4/3 πr³। तो जाएगा 4/3 πd/dt ऑफ आर क्यूब की वैल्यू 900 है, ठीक है। तो 4/3 πr² dr/dt की वैल्यू आपको 900 दी गई है। जैसे dr/dt की वैल्यू आपकी 900, किया ना बच्चा, ये देखना ये, ठीक है। अब ये देख, ये हो गया कितना, अपॉन 4πr², ये कटेगा 225 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 225 πr² हो चुका है। अब आगे वो बोल रहा है कि अगर रेडियस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर तो बताओ कर लोगे ये चीज आगे का, ये देख ये मेरा d/dt ऑफ 4/3 πr³ था इक्वल टू 900। 4/3 π मेरा कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया था बच्चा ने, d/dt ऑफ r³। अब वो r³ को डेरिवेटिव निकाल रहा था मैं, तो 3r² वो dr/dt इक्वल टू 900। बेटा ये इसका r³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे को उसे आखिरी में dr/dt मल्टीप्लाई करना पड़ गया ना एक, ठीक है। 1/π, यस तुमने पाई कैसे डाला है। अब गाइस ये देखो, अब ये एग्जांपल नंबर 9 इज अ लिटिल बेटर। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये बेटा dx/dt की वैल्यू 3 नहीं, अब डिक्रीज हो रहा है तो -3 होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर पर मिनट है ये, तुम्हारा विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm/min, तो dy/dt 2 cm/min है। तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछा है, मतलब अगर पेरीमीटर को मैं p बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझसे पहले उसने dp/dt, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 x + y, मतलब d/dt ऑफ 2 x + y, मतलब 2 dx/dt प्लस dy/dt, यानी 2 dx/dt था मेरा -3, dy/dt था मेरा +2, तो आंसर कितना आ रहा है -2, ठीक है। बट -2 क्या पेरीमीटर हो गया सेंटीमीटर में, पर मिनट चल रहा था बच्चा लोग, ये तो पर मिनट हो गया आंसर। बेटा चेंज क्या हो रहा है, हाँ इस क्वेश्चन का मतलब समझाओगे क्या हो रहा है। एक मिनट के अंदर अगर मान लो, और सुन सुन, पहले मान लो कुछ 1000 था तेरा पेरीमीटर, कुछ तो भी लेंथ होगा, कुछ तो भी ब्रेथ होगा। एक मिनट के अंदर ऐसा हुआ कि तेरा लेंथ 3 cm से कम हो गया, बट ब्रेथ तेरा 2 cm से बढ़ गया था, तो पेरीमीटर ओवरऑल तेरा 2 cm से कम हो गया। तो पहले 1000 था, तो 998 हो गया है। तो मुझे ना तो पहले का लेंथ और ब्रेथ पता था, बस वो कैसे चेंज हो रहे थे, ठीक है। पता नहीं तूने क्या बोला, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अभी देखिए, वैसे अगर आपको एरिया में पूछ रहा हूँ बेटा, तो तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा, x into y हो जाएगा। अब ध्यान दो बच्चा लोगे, ठीक है। अब वो हो जाएगा क्या 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 क्यूटी। अब देखो dA/dt तुमको निकालना है, d/dt ऑफ xy, तो पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। तो x into dy over dt था मेरा +2,
प्लस वाई इंटू, ये नेगेटिव थ्री था तो 2x माइनस 3y हो गया। मेरे को x की वैल्यू 10 दी गई है, y की वैल्यू मुझे 6 दी गई है, तो आंसर 2 हो गया। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में आंसर आ रहा है मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है गाइस? माइनस कैसा क्या इनका? इंक्रीजिंग है, इक्वल्स हुए हो, ठीक है? याद है क्या? ठीक है गाइस, चिंगी समझ में आ रहा है कुछ? पक्का ये डेड क्यों है? इसलिए डेड हो गई तू। मैं पूछा लेट क्यों है, नहीं डेड क्यों है? रिकॉर्डिंग में सुनना आपस से। चलो ओए गाइस, शांत गाइस, प्लीज शांत। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैंने पढ़े नहीं है, करके नहीं आया हूँ मैं सवाल, तो एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा। टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये बेस बी मेरा फिक्स्ड है, ये जो लेंथ है वो अभी के लिए ए और ए मान रहा हूँ मैं, तो ये मेरे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग वेन द टू साइड आर इक्वल टू द बेस? अब सुनो, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है। नहीं, इन लोगों ने शायद पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया है क्या पता नहीं मुझे, बट अपन लोग डिराइव कर लेते हैं फट से। बहुत ईजी है डिराइव करना इसका फॉर्मूला। आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होने वाला है? नहीं नहीं, इंटू टू करना नहीं पड़ेगा ना बेटा को। ये ए है, वो भी ए है, यहाँ से बेटा मैंने परपेंडिकुलर का ड्रॉप किया, ठीक है, क्योंकि मेरे को हाइट निकालनी थी, तो ये बी अपॉन टू हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, कि परपेंडिकुलर और मीडियन और ऑल्टीट्यूड सब कुछ सेम, ऑल्टीट्यूड मीडियन एंगल बाइसेक्टर इसमें सेम रहता है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा इसको, तो वो लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अगर तुम्हें एलसीएम एलसीएम लेना है तो वो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, जिसको 1/2 4a² माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हो। तो बेटा मेरा एरिया कितना हो जाएगा? अंशवीर सुन, वो होगा फॉर्मूला दिया हुआ, मेरे को याद नहीं, इसे मैं डिराइव करवा रहा हूँ, तो ध्यान दे दे। हाफ पूरे का ट्राइंगल का बेस कितना था बेटा मेरा? बी था। हाइट कितनी आ गई बच्चा लोग मेरी? हाफ अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर 1/4 यानी बी बाई 4 टाइम्स अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर मेरा एरिया हो चुका है। तो हाइट तो निकाल तू, ये हो गया बी बाय 4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों का है, यहाँ पे बी मेरा बेस है और ए मेरा इक्वल साइज है, इक्वल लेंथ है। अब डी ए बाई डी टी मुझे दिया गया माइनस 3, मुझे एरिया का निकालना था रेट ऑफ चेंज, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरे? देखो मेरा बी बाई 4 तो बाहर रहेगा, डी बाई डी टी इसमें जो है ए कैसे बी कैसे बाहर रहेगा? रुको 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 रुको, हाँ बी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, हाँ बेटा बी मेरा कॉन्स्टेंट रहे, बी बाई 4 बाहर रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये बी बाई 4 तो वही है, यहाँ पे चेन रूल हो गया, 1/2 रूट एक्स होता है अपना इनटू इसका डेरिवेटिव, तो 8a, बी मेरा कांस्टेंट था, तो ये कट गया, आंसर मेरा कितना हो गया बेटा? 8ab अपॉन, अच्छा सॉरी, हाँ एक आंसर सॉरी, डी ए बाई डी टी भी रहेगा, आंसर सॉरी 4a² माइनस बी स्क्वायर टाइम्स डी ए बाई डी टी, और डी ए बाई डी टी की वैल्यू माइनस 3 थी मेरी, तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया है? माइनस 24ab अपॉन 4a² माइनस बी स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है बताओ, कितना रेट पे चेंज हो रहा है जब मेरे इक्वल साइड्स बेस के बराबर हो गए थे, मतलब ए और बी मेरा इक्वल हो गया था, तो माइनस 24a की जगह पे बी डालूंगा मैं, तो ये बी स्क्वायर अपॉन 4b² माइनस 3b² इज व्हाट? 3b² का अंडर रूट, कुछ गलत आया अपना, अपना कुछ तो भी गलत हुआ है,
24 कहाँ से एक्स्ट्रा है, बट अपना अपना एरिया का फॉर्मूला यही आया था ना गाइस। अरे यहाँ एक सुनो, जब ये गाइस ये 8 मेरा कट चुका है, मैंने वो 8 गलती से आपस से ले लिया था, सॉरी। बिल्कुल सही बता रहा तू, ये -3 चलना चाहिए था मेरा, -3b² अपॉन 3b² का अंडर रूट, तो जाएगा -3b² अपॉन √3b, ये कट जाएगा। तुम उसको रैशनलाइज करोगे तो -√3b फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहा था। अपॉन 3b रहेगा ना बच्चा नीचे का विद अ नेगेटिव साइन। गाइस अब एग्जांपल नंबर 11 देखिए प्लीज। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट ये रेट, तो dv/dt ये 3 cm³/s दी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2। ठीक है, देखो वॉल्यूम का आपको क्या हो जाएगा, 4/3 π dr³/dt की वैल्यू 3 दी गई है, मतलब 4/3 π × 3r² dr/dt की वैल्यू 3 दी गई है, मतलब आप लोगों को dr/dt की वैल्यू 3/4π r² पता है। अब आप लोगों से वो गाइस पूछ रहा है df/dt, एक सेकंड का मीटिंग एंड हुआ है, मैं सेशन में हूँ, मेरे को मैसेज कर, सेशन में हूँ मैसेज करने को, नहीं मैसेज, अरे मैं बोल रहा हूँ सेशन में हूँ मैसेज कर, सुनो तो कहाँ से बोल रहे तू, अरे जल्दी आएगा क्या, नहीं अरे यार सो बोल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट स्टूडेंट आज पूछा मैं सुकृत से कौन सी लैंड बिकी, तो पहला पूछा सर आपको किसने बता दिया, तो बिकी तो है भाई, हाँ ठीक है, हाँ वो भी बता दे, कल वो भी बताता हूँ उसको, पता अच्छा गोदरेज ने खरीदी, फिर तो अच्छे इसमें दी होगी गाय, देख लेना चाहिए। चलिए 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 गाय शांत बेटा प्लीज, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको dr/dt के लिए मिल चुकी है, df/dt की वैल्यू पूछी गई है, गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, गाइस ध्यान दो, तो 4π dr² / dt की वैल्यू निकालनी थी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लीज ध्यान दो, देखिए 4π × 2r, ठीक है वो हो जाएगा फिर आगे dr/dt हो जाएगा, क्योंकि 4π × 2r यानी 8π r, और dr/dt की वैल्यू कितनी है 3/4π r² 4π 4π कटा, एक r और एक r कट गया, आंसर 3/r जैसा कुछ हो रहा है मेरा, × 2, हाँ ये 2 रहेगा, तो 6/r हो जाएगा, उसने r की वैल्यू को दी है क्या मुझे, व्हेन r इज 2 तो आंसर 6/2 मतलब 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैंने df/dt निकाला है, मैं सरफेस एरिया सेंटीमीटर में दिया था क्या उसने, और सेकेंड में यस, तो cm² / s हो जाएगा आंसर, कहीं समझाए क्या हुआ है, श्योर? अब बेटा बोर हो गया हूँ मैं तो, गाइस अपना होमवर्क लिखो, पहले 15 क्वेश्चंस गाइस, पहले 15 क्वेश्चंस गाइस सुनो, ओए हाँ, दिस शुड टेक यू अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स ऑन द हायर साइड, अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के आप लोग बैठोगे तो, हाँ हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के बीच में लगने चाहिए, ठीक है पढ़ने के बाद में, प्लीज गाइस ये होमवर्क करके आना, ठीक है। चलिए गाइस मैं सेशन एंड कर रहा हूँ।